मंगल पांडे देश भगत हो दुनिया में अवतार गए मंगल पांडे देश भगत हो दुनिया में अवतार गए दुनिया में अवतार गए और भारत की आजादी खातर जान देश पैवार गए बताया मंगल पांडे देश भगत हो दुनिया में अवतार गए भारत की आजादी खातर जान देश पवार गए। पहले नंबर पर कहां उनका जन्म होया कब होया और के काम करया सुनियो भाई उत्तर प्रदेश का बलिया जिला जहां उनका जन्म होया कौन सा वो गांव था एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म होया क्या बताया पहले नंबर पर सुनियो भाई की पावन भूमि जड़ वीर ने जन्म लिया उन्नीस जुलाई पावन तिथि देश को ऐसा वीर दिया 19 जुलाई क्रांति का प्रचार किया क्रांति वे देख इसे विचार गए भारत की आजादी खातर जान दे मंगल पांडे देश भगत हो मैं धन्यवाद करूंगा इस काम के लिए सुशील शर्मा जी हैं सुल्तान सांगी रोड वाले के पुत्र जो ब्लेम लाया था कुछ घटिया किस्म के लोगों ने वो कल सुल्तान जी के सुपुत्र सुरेश जी ने भी क्लियर कर दिया था वो वीडियो डाल के भाई विकास ने हमारे साथ कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया खामखा ब्लेम लाया था उनके पुत्र हैं सुशील शर्मा जी 100 रुपये से अपने इन भाइयों का मान सम्मान करते हैं मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ भाई कोई किसी के कहने से ना तो बदनाम होता और ना कोई किसी का कहीं था मरता हाँ भले इन उत्ता की बेसराए था कि मध्यम जाटी हो जाएगी सुल्तान सांगी अमर है और अमर रहेंगे 100 रुपये देते हैं बड़ा धन्यवाद हरिओम खत्री इस्माइल गांव से सापला के पास भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बड़ा धन्यवाद करते हैं भाई का बड़ा धन्यवाद और भाई एडमिन पैनल अगर मेरी बात सुन रहे हो या जुड़ रहे हो तो ये बहुत से भाई नंबर मांग रहे हैं प्लीज़ मैं रागणी में बिजी हूँ आप इनको नंबर दे दीजिए प्लीज़ एडमिन पैनल से कोई भी भाई अगर बात सुन रहे हो तो दूसरे नंबर पर क्या बात हुई क्या कहानी बनती हुई एक कलकत्ता में बैरकपुर यूनिट है फौजियों की जहाँ हम अभी पिछले दिसंबर 1 हफ्ता रुके 3 दिन हमारे कार्यक्रम थे जाट रेजिमेंट में उनका 65वां साल था शायद कुछ ऐसा सिल्वर जुबली थी या जो वहाँ हमारा हावड़ा ब्रिज के नीचे समुंदर में प्रोग्राम हो रहा था चलती जहाज में बैरकपुर यूनिट में रुके वहाँ हमने इतिहास का पता गया फौजी भाइयों ने बहुत बढ़िया हमारी सेवा करी और
वहां बताते हैं कि मंगल पांडे ने गरीबी के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ज्वाइन करी थी बैरकपुर में। वहां पैदल जो टुकड़ी होती थी अंग्रेजी फौज की, उसमें मंगल पांडे जी एक सैनिक थे, लेकिन वहां इन्होंने जो जुल्म देखा भाई, कारतूसों में गाय की चर्बी प्रयोग की जाती थी, वहां से बगावत करने का ख्याल दिल में आया था। क्या कहानी बनती है भाई दूसरे नंबर में। बैरकपुर में जाके देखा पाप की नहर बही जाती, कारतूस में गौ माता की चर्बी रोज दही जाती, हथे में गऊ मरी जाती पे, इसीलिए ललकार गए भारत की आजादी बैरकपुर में बगावत करते हैं। मंगल पांडे कुछ साथियों को साथ लिया, भाई गौ हमारी माता हिंदू धर्म है, इसकी चर्बी कारतूसों में प्रयोग करी जाती, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। 1857 में बगावत की तैयारी कर लेते हैं, सारी तैयारी होगी, लेकिन गद्दारी के कारण देश आजाद हो नहीं पाया। क्या बताया दूसरे तीसरे नंबर उसने भाई। प्रदीप सिवाच है मंदोली से, 100 रुपए देते हैं भाई सिवाच साहब का, बड़ा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। क्या बताया सुनियो भाई। सन 1857 में आजाद करण की धारी थी, बगावत अंग्रेजात सारी कर ली प्यारी थी, कुछ अपनों की गद्दारी थी, वे जुलम कसूते डार गए जुलम भारत की भगत थे मंगल जैसे युद्ध कभी कुल बजाया था, अठारह सौ 1857 में अंग्रेजी राज हिलाया था, विकास न लेख बताया था, विकास न लेख बताया था, और करते वे प्रचार गए
I'm gonna make it.